नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेरा और आज हफ्ते का वही दिन है जब मैं आपको देश और दुनिया की टेक्नोलॉजी न्यूज से रूबरू कराता हूँ। यहाँ पर मैं आप सभी से एक बात करना चाहूँगा। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, जो मुझसे पूछते हैं कि सर आप उस फ़ोन की अनबॉक्सिंग, उसका रिव्यू क्यों दिखाते हो जबकि वो अच्छा नहीं है। पर यहाँ पर आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि ऐसे बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं, आप सभी में से ही कुछ व्यूअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो कि उन फ़ोन्स की भी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं या कुछ लोग उन फ़ोन्स में भी इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें खरीदना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको हर फ़ोन की अनबॉक्सिंग और उनका फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता हूँ। पर एनीवे, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा और सीधा सीधा इस हफ्ते का टेक दिस वीक एपिसोड दिखाता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि Xiaomi ने इस हफ्ते बजट सीरीज के अंदर दो नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए जिनका नाम है Xiaomi Redmi 7 और Redmi Y3। दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन पूरी तरह सेम है, दोनों में आपको 6.26 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है, 12+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा दिया गया है, Qualcomm Snapdragon 632 चिपसेट है और 4000 mAh की बैटरी भी दी गई है। यहाँ पर फर्क सिर्फ यहाँ पर रैम और स्टोरेज का है, इसके साथ साथ फ्रंट कैमरा का भी फर्क है। Redmi 7 में आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर मिलता है तो Redmi Y3 में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Redmi 7 की शुरुआती कीमत है 7,999 रुपये और Redmi Y3 की शुरुआती कीमत है 9,999 रुपये। पिछले हफ्ते हमने आपको खबर दी थी कि वीडियो मेकिंग ऐप TikTok पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन इस हफ्ते मद्रास हाई कोर्ट ने इस एप्लीकेशन पर से बैन हटाने का फैसला कर लिया है और उसका बहुत ही सॉलिड रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि TikTok बनाने वाली कंपनी ने बताया है कि जब से ये बैन हुई है तब से रोज़ाना कंपनी को 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ साथ अगर ये एप्लीकेशन पूरी तरह से इंडिया में बैन होती है तो 250 से ज़्यादा लोगों की नौकरी जा सकती है, क्योंकि इंडिया में अकेले ही आप देखेंगे कि 300 मिलियन से भी ज़्यादा के यूज़र हैं जो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। OnePlus फैंस के लिए इस हफ्ते बहुत ही बड़ी खबर आई है। जी हाँ, OnePlus 7 और 7 Pro की लॉन्च डेट आ चुकी है। 14 मई को ये स्मार्टफोन्स पेश कर दिए जाएंगे। इनफैक्ट अब तक इन फोन के सभी स्पेसिफिकेशन भी सामने आ चुके हैं। OnePlus 7 में आपको 48+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिल सकता है, इसमें फुल HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले दिया जाएगा और Qualcomm Snapdragon 850 का चिपसेट भी इसमें हो सकता है। वहीं OnePlus 7 Pro की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिल सकता है, यानी 48+8+16 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा हो सकते हैं। इसमें भी 855 चिपसेट होगा और रैम स्टोरेज तो आपको पता ही है कि OnePlus 7 और 7 Pro में काफ़ी अंतर होगा। 6GB से लेकर शुरू हो सकता है और 12GB तक इनका रैम का वेरिएंट जा सकता है। हालांकि ये स्पेक्स पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो लीक्स है ये बहुत सॉलिड है और हो सकता है कि इन्हीं स्पेक्स के अकॉर्डिंग कंपनी इन फोन्स को लॉन्च करेगी। इस हफ्ते इन्फिनिक्स ने बजट सीरीज में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसका नाम है इन्फिनिक्स स्मार्ट 3+। इस फोन में क्या फ़ायदा है? इसमें फ़ायदा यह है कि 6,999 रुपये कीमत पर इसमें आपको ट्रिपल रेयर कैमरा मिलता है। जी हाँ, इस फोन में दिया है 13+2+ TUF डेप्थ सेंसर जो कि बैक साइड पर दिया है। साथ साथ में 6.21 इंच का आपको HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलता है, मीडियाटेक का हीलियो A22 चिपसेट दिया है और इसमें आपको 3500 mAh की बैटरी भी मिल जाती है। Realme ने भी इस हफ्ते अपने दो नए स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च किए जिनका नाम है Realme C2 और Realme 3 Pro। जहां एक और Realme C2 10,000 के अंदर के प्राइस रेंज का स्मार्टफोन है तो वहीं Realme 3 Pro 15,000 के सेगमेंट में आता है, जो कि Redmi Note 7 Pro के कंपटीशन में कंपनी ने पेश किया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि Realme जो कंपनी है वो पूरी तरह से मार्केट को कब्जा करना चाहती है, जो कि अभी फिलहाल Xiaomi ने किया है। इसलिए कंपनी एक के बाद एक अपने धमाकेदार फोन्स पेश किए जा रही है। सैमसंग गैलेक्सी A70 फाइनली 1 मई से इंडिया में उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, इस फोन की कीमत है 28,990 रुपये। इस फोन के स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 6.7 इंच का फुल HD+ रेजोल्यूशन और सुपर एमोलेड डिस्प्ले, Qualcomm का स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट दिया गया है, 4500 mAh की बैटरी है, 32+8+5 मेगापिक्सल के ट्रिपल रेड कैमरा है और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी इसमें दिया गया है। Xiaomi के नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन Redmi Pro 2 को लेकर पिछले काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रही है, लेकिन हाल ही में इस फोन के स्पेसिफिकेशन पूरी तरह से माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट Vivo पर देखे गए हैं। जी हाँ, माना जा रहा है कि इसमें आपको 6.39 इंच का फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला फुल बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। साथ साथ इसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा जो कि 32 मेगापिक्सल का होगा। इसके अलावा इसमें आपको 48+8+13 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेड कैमरा, 8GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल सकती है, जिसमें Qualcomm Snapdragon 855 चिपसेट दिया जाएगा।
इस हफ्ते एप्पल आईफोन 11 की एक रेंडर इमेज सामने आई है। हालांकि ये लीक के तौर पर सामने आई है, पर जिस सोर्स के थ्रू आई है उसे हम यहाँ पर थोड़ा सा रिलायबल मान सकते हैं। जी हाँ, बैक पैनल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बॉक्स शेप में ट्रिपल रेयर कैमरा दिख जाएंगे, और ये बॉक्स शेप डिजाइन हम ऑलरेडी हुआवे मेट 20 प्रो में भी देख चुके हैं। इसके अलावा स्पेक्स की बात करें तो पूरी तरह से कन्फर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार इसमें आपको A13 चिपसेट देखने को मिल सकता है। साथ साथ इसमें फ्रंट में 7 की जगह 10 मेगापिक्सल कैमरा होगा, और माना यह भी जा रहा है कि इनमें से किसी एक मॉडल में आपको 4000 एमएएच की बैटरी भी देखने को मिल सकती है। तो ये था इस हफ्ते का टेक्नोलॉजी ज्ञान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी देश और दुनिया की टेक्नोलॉजी न्यूज़ से रूबरू हो गए होंगे, पर फिर भी अगर इन न्यूज़ को लेकर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, मैं उन्हें जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दिए, आप वहां पर जाके इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं। पर एनीवे, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड एज यूजुअल हमसे चैट करने के लिए आप इन दी गई आईडी पर जाकर जुड़ सकते हैं, या फिर मेरी पर्सनल आईडीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अंटिल देन, दिस इज केशव खेड़ा साइनिंग ऑफ।